क्या टीम इंडिया बिना खेले ही सीरीज गवा देगी और क्या गंभीर युग की शुरुआत एक खराब शुरुआत मानी जाएगी? कैसा रहेगा आज कोलंबो का मौसम का हाल और क्या रहेगा पिच का मिजाज, ताजा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में क्रिकप्लेक्स के माध्यम से। जी हां दोस्तों, पिछले 27 सालों से भारत और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल सीरीज अगर एक दूसरे मुकाबलों को लेकर की जाए तो अब तक भारत हावी रहा है। अब तक 10 बार सीरीज हो चुकी है जिसमें पिछले 27 सालों में 10 बार जीता है भारत। लेकिन ये 27 सालों के आंकड़े के बाद अगर देखें, जो ये जुलाई में श्रीलंका का दौरा किया है भारत ने, इसमें 3 T20 मुकाबला तो उन्होंने सीरीज जीता है, लेकिन जो ODI है उसकी शुरुआत टाई से हुई, दूसरा मैच श्रीलंका ने जीता है और तीसरे मैच पे नजर रहेगी श्रीलंका की जीत के साथ इस सीरीज को जीतने की। लेकिन ऐसे में खलल डाल सकता है मौसम, यानी बारिश बन सकती है विलेन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ताजा जो अपडेट है वेदर रिपोर्ट कोलंबो की, उसके अनुसार 50% संभावना है बादल छाए रहने की और बारिश की संभावना है। ऐसे में जो आर्द्रता है उसका भी अगर प्रतिशत देखें, परसेंटेज देखें तो 80% है। हवाओं की जो गति रहेगी वो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, यानी कि ऐसे में क्या मैच ओवर में रिड्यूस किए जाएंगे, यानी कि क्या मैच शुरू समय से हो पाएगा या मैच हो नहीं पाएगा, ये जरूर सवाल है। लेकिन पिच की क्या ताजा अपडेट है मैं उसको आपको बता देना चाहूंगा। कवर से ढकी हुई है विकेट अभी भी और ऐसे में थोड़ा स्पिन गेंदबाजों को मदद कर सकती है। वैसे देखें तो सीरीज में अभी भी ज्यादातर गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और खासकर स्पिन गेंदबाजी का। धीरे धीरे विकेट जैसे आगे मैच में जाता है पिच थोड़ा स्लो हो जाता है और वहां भी जो लेफ्ट आर्म या राइट आर्म पेसर होते हैं उनको मदद मिलती है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये बारिश का साया और पिच की खराब कंडीशन गेंदबाजों को ज्यादा मदद, भारत कैसे देखेगा इस मैच को और इस सीरीज पर। ताजा अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मैच की बहुत सारी खबरें हम आपको लेकर आते रहेंगे क्रिकप्लेक्स पर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।